दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गदा की मार क्यों खाई? जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि अपने भक्त के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दोस्तों, यह महाभारत का एक ऐसा अनसुना सच है जिसे सुनने वाले अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम में लग जाता है, उसे फिर इस पापी दुनिया में कुछ और नहीं भाता। महाभारत युद्ध के समय कलिंग नरेश श्रुतयुद्ध ने श्री कृष्ण पर गदा का भयंकर प्रहार किया और भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की। श्रुतयुग वरुण देव यानी जल देवता का पुत्र था और वह महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। वरुण देव ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र यानी गदा दी, जिसका प्रहार ब्रह्मास्त्र के समान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता था। इसलिए उसे देते समय वरुण देव ने उससे कहा कि यदि तुम इसका प्रयोग किसी निहत्ते व्यक्ति पर करोगे तो वह तुम्हारा अंत कर देगा। लेकिन महाभारत युद्ध के 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक ऐसा देवी कार्य किया कि श्रुतयुद्ध ने इस गदा का प्रयोग कर निहत्ते श्री कृष्ण पर प्रहार किया और वरुण देव के कहे अनुसार गदा ने श्रुतयुद्ध के जीवन का अंत कर दिया। ऐसा था श्री कृष्ण के लिए अर्जुन का प्रेम। दोस्तों, आज भी श्री कृष्ण अपने शरण में आने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके देखिए, फिर इस संसारिक मोह माया के प्रेम में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा।